बीजेपी नेता विनायक अंबेडकर को एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ जड़ दिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के नेता विनायक अंबेडकर ने शनिवार को पुणे पुलिस स्टेशन में शिकायत की है कि एनसीपी पार्टी के कम 20 कार्यकर्ताओं ने उनके साथ कार्यालय में मारपीट की है। विनायक का आरोप है कि किसी ने उन्हें फ़ोन करके टैक्स से संबंधित परामर्श लेने की बात की और फिर फोन करने वाला ये व्यक्ति करीब 20 लोगों के साथ कार्यालय में पहुंचकर उन्हें थप्पड़ जड़ दिया, जिसमें उनका चश्मा भी टूट गया है। इसके बाद बीजेपी नेता विनायक ने पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, तो वहीं बीजेपी नेता विनायक के खिलाफ भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। उन पर एनसीपी के एक कार्यकर्ता ने विश्राम बाग पुलिस स्टेशन में अंबेडकर के खिलाफ शिकायत की है और शरद पवार के खिलाफ पोस्ट लिखने का आरोप लगाया है। इस मामले पर बीजेपी नेता विनायक का कहना है कि शुक्रवार को उन्होंने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली थी, जिसे लेकर एनसीपी सांसद गिरीश बापट ने माफ़ी मांगने के लिए कहा था।